बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी हलचल के बीच बुधवार को दिल्ली पहुंचे। सीएम नीतीश दिल्ली पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते नजर आए। कोरोना का दौर आ गया था, आज करके हमको मौका मिला उनसे बहुत ज्यादा, वो इतना प्रेम करते लोग उनकी इज्जत करते थे और कभी भूल नहीं सकते हम हमेशा। उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे और सब दिन जब तक वो रहे। आज अब बताइए, जब बिहार में हम मुख्यमंत्री बने तो बनाने के लिए तो थे और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना और बीच में उनकी तबियत खराब ये अलग बात है, तब भी हमको ये उनका हो गया। नीतीश की ये राजनीति बीजेपी को नागवार गुजर रही है। बीजेपी ने नीतीश के अटल प्रेम पर सवाल खड़ा किया है। नीतीश जी, आप कितनों को धोखा देंगे? आपने तो गैर कांग्रेसवाद के जनक रहे, लोहिया, जयप्रकाश, जॉर्ज साहब को कांग्रेसी गोद में बैठ करके धोखा दिए ही, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी धोखा देने चले हैं, उनके चरणों में बैठकर घड़ियाली आंसू बहाने चले हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए। आपको जो सुशासन का पाठ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पढ़ाया था, उस पाठ को तो आपने तिलांजलि दे कर करके दुशासन रूपी लालू के गोद में बैठ करके भ्रष्टाचार को अमृत पिला रहे हैं, भ्रष्टाचारी को अमृत पिला रहे हैं। और आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में बैठ करके जनता को धोखा देने का कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के इस अटल प्रेम को देखिए, कैसे राजनीति के जानकार डिकोड कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का अटल जी को याद करना, अटल घाट में जाकर के उन्हें याद करना, क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं भूल पाए? दोस्तों, नीतीश कुमार उसी प्रेम का की तरह कहीं व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं जहां वो अपने प्रेमी को कई बार धोखा दे करके भी वह पुनः अपने प्रेमी के पास आना चाहते हैं। दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी शायद अलर्ट प्रेमी की तरह है जो अब उन्हें दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की ये जो अटल प्रेम है, ये कहीं नए बने इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कभी भी अच्छी नहीं रही है और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की पूंछ न होने की वजह से वैसे भी वो वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं, तो क्या पुनः वो एनडीए की तरफ आना चाहते हैं? ये आने वाला समय बता दे कि नीतीश के राजनीति का अपना अलग तरीका है, जिसमें नीतीश बीजेपी और महागठबंधन दोनों तरफ का दरवाजा अपने लिए खुला रखना पसंद करते हैं। इसलिए एनडीए में रहकर विधानसभा में जब नीतीश की तेजस्वी से तीखी नोकझोंक भी होती थी, तो नीतीश कहते थे कि मेरे बड़े भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए इसके आरोपों को सुनता रहता हूँ। कहने वाले तब भी कहते थे कि महागठबंधन से अलग होने के बाद भी नीतीश लालू परिवार से दोस्ताना रिश्ता बनाकर रखते हैं। कभी उनके इफ्तार पार्टी में पैदल पहुंच जाते थे, कभी तेजस्वी को लेकर जाति जनगणना पर बात करने दिल्ली पीएम के पास चले जाते थे। खैर, एक बार फिर नीतीश अपने पुराने अंदाज में सियासत कर रहे हैं और नीतीश का यही सियासी अंदाज उनको बिहार की सियासत में उपयोगी बनाए रखता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।